हेलो जी दोस्तों, आप सबको मेरा सलाम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दो जो बड़ी बातें थी वो मैं बताने लगा हूं। राग भैरवी, सा रे गा, कोमल सुर ये है, ये भी कोमल है, मा शुद्ध है, पा और सा ये अचल सुर हैं दोनों। पा और सा अचल सुर हैं, धा कोमल, नी कोमल, सा फिर खरज है, और सा पा ये अचल सुर हैं दोनों। मतलब ये कहीं चल नहीं सकते, ये इनका जो रचाव है, जो ठहराव है, वो यहाँ पे सा से सा कायम है और सा पा अचल है, अचल सुर। सबसे पहले जो है राग भैरवी, इसका नाम जो असल था वो हनुमान टोटी था। सो दोस्तों, फिर बाद में राग कल्याण यानी ठाट कल्याण और ठाट भैरवी, ये दो राग सबसे पहले तहलीक किए गए थे। सरे शुद्ध है, गा शुद्ध है, मा तीव्र है, पा शुद्ध है, धा शुद्ध है, नी शुद्ध है। मैं एक तीव्र सुर है इसमें, सिर्फ मा वो नहीं है शुद्ध, बकाया जितने भी इसमें सुर हैं शुद्ध हैं। राग भैरवी, ठाट भैरवी और कल्याण ठाट। सारे गा मा पा धा नी सा सानी धा मग रे सा नी धा। और राग जो यमन है, जिसे हम यमन कल्याण कहते हैं, वो नी से शुरू होता है। नी रे गा मा पा धा नी सा सानी धा मग रे सा। ये जो दोनों ठाट हैं, राग ठाट हैं, भैरवी ठाट, कल्याण ठाट, इन दोनों में से बकाया जो आठ ठाट हैं वो इन दोनों में से निकले हैं। क्या आप देख लें, चार सुर कोमल आते हैं भैरवी में, तो शुद्ध सुर कल्याण ठाट में भी आते हैं काफी। मा तीव्र है, बकाया सभी शुद्ध सुर हैं, तो इनमें इन दोनों ठाठों में से बकाया खमाज ठाठ, टोटी ठाठ, कल्याण सॉरी मारवा ठाठ, काफी मतलब जितने भी दस ठाठ हैं इन दोनों रागों में से आगे तहलीक किए गए थे। खमाज, बलावल, भैरव, अभी तो जो राग है, तो काफी दोस्तों ने राग कलावती के बारे में कहा था कि हमें ना सफेद सुरों से बताएं, तो राग कलावती सा नी धा सा सा गा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू।